खबर अब अजमेर के किशनगढ़ से है, जहां रात 8 बजे के बाद ऊंचे दामों पर खुले में शराब की बिक्री की जा रही है, लेकिन विभाग के अधिकारी जानकर अनजान बने बैठे हैं। शराब ठेका संचालक महज औपचारिक तौर पर 8 बजे ठेकों के शटर बंद तो कर देते हैं, लेकिन शटर के नीचे बनी खिड़की या दूसरे दरवाजे से रात भर शराब का कारोबार करते हैं। फोर्स इंडिया की टीम ने शराब की दुकानों पर पड़ताल की तो सामने आया कि ठेका संचालक दिखावा करने के लिए शटर बंद तो कर देते हैं, लेकिन सेल्समैन दुकान के अंदर रुक जाते हैं और फिर शटर के नीचे बनी खिड़की से रात भर मनमाने दामों से शराब की बिक्री किया करते हैं। देखिए, फोर्स इंडिया ने जब पड़ताल की तो तस्वीरें जो आप इस वक्त देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर वो सामने आई। 8 बजे के बाद का ये समय है, शटर औपचारिक तौर पर सिर्फ दिखावे के लिए बंद कर दिए गए हैं, चूंकि सरकार की गाइडलाइन है 8 बजे शराब की दुकानों पर जो शटर है वो लग जाना चाहिए, बंद हो जाना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से जिम्मेदार इस प्रकरण पर आज तक सोते आए हैं, और ना सिर्फ अजमेर, जयपुर में भी कई जगहों पर ये देखने को मिला है, प्रदेश के कई अलग अलग जगहों से भी ऐसी तस्वीरें सामने आती रही है। शटर बंद है लेकिन बिक्री ऑन है, और उसके बाद देखिए किस तरीके से आराम से जो शटर के नीचे एक छोटी खिड़की बनी है उससे शराब की बिक्री जारी है और मनमाने दाम उसके बाद वसूले जा रहे हैं। स्थानीय सहयोगी विमल इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विमल, तस्वीरें जो फर्स्ट इंडिया के दर्शक इस वक्त देख रहे हैं, फर्स्ट इंडिया ने पड़ताल की है वहां पर जाकर, क्या पूरी हकीकत इसको लेकर आपको देखने को मिली? विमल, आपको आवाज आ रही है हमारी? बिल्कुल आ रही है मुझे जी। तो बताइए, जो फर्स्ट इंडिया की टीम पहुंची और शराब के ठेके से तस्वीरें दिखा रहे हैं, 8 बजे के बाद का यकीनन समय है और बिक्री वहां पर अंधाधुंध जारी है, क्या तस्वीरें आपको देखने को मिली वहां पर? वहाँ यही है कि जो सेल्समैन है वो अंदर है और उनका एक आदमी बाहर खड़ा है। एक छोटी खिड़की है, वहाँ पे आदमी आता है, वो टोकन देता है और वो खुले आम ऐसे लग रहा है कि केवल दुकान का शटर बंद है, लेकिन पूरा माजरा है कि जैसे दुकान खुली है, कुछ ऊंचे दाम के 20 रुपए 50 रुपए ऊपर देकर शराब ऐसे मिल रही है जो 8 बजे पहले मिल रही हो। और ये एक ही दुकान नहीं, सभी की यही हाल है, और कई बार मीडिया ने पहले भी ऐसे किया। इससे शासन प्रशासन की कहीं ना कहीं जो नजरें इनायत है ये पता नहीं क्यों हो रखी है, और बिना कहीं ना कहीं जो ये खुलेआम कहा जा सकता है कि शासन प्रशासन उन्हें रोज देखता है जी, घटनाक्रम आए दिन का नजर आ रहा है। बिल्कुल विमल, और निश्चित तौर पर प्रशासन के नियमों की अवहेलना यहाँ पर की जा रही है, लेकिन सवाल ये उठता है कि इसका जिम्मेदार कौन है, चूंकि खबरें लगातार सामने आती है लेकिन कार्रवाई अब तक नहीं हो पाई जी। कई बार पुलिस से बात करने की कोशिश करी तो वो कहते हैं कि ये आबकारी का काम है, और आबकारी से बात करते हैं तो वो कह रहे हैं कि हम पड़ताल कर रहे हैं, लेकिन ये कम हो गई कि जो नियमों की धज्जी है ये रोज ही उड़ती दिखाई दे रही है, और ये तस्वीरें शर्मसार कर रही है कि 8 बजे बाद कहने को तो दुकानें बंद है लेकिन ऊंचे दामों पर शराब की बिक्री रोज इसी तरह जारी है। हम फर्स्ट इंडिया की टीम जब पहुंची तो हमें देखकर कुछ लोग भागने की कोशिश करे और कुछ लोगों ने कहा कि भैया हम तो ऐसे ही चलेगा, हमारी सेटिंग हो रखी है। बिल्कुल, तो इस तरह करके और इससे ये है कि मीडिया के कई बार ये लोग दुश्मनी तक कर लेते हैं। तो बता दूं कि किशनगढ़ में पूर्व में भी ऊंचे दामों को लेकर यहाँ पर झगड़ा हुआ और कई बार मुकदमेबाजी तक भी हुई, लेकिन फिर हाल कुछ दिन तो सही रहा और वो का वही है। बिल्कुल, चलिए विमल बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, अब वीडियो जो आप देख पा रहे हैं उसे एक बार फिर से ब्रीफ कर दें। शराब माफियाओं का खुला खेल इन तस्वीरों में आपको दिख रहा है। 8 बजे का समय निर्धारित किया गया है दुकानों को बंद करने का, लेकिन 8 बजे के बाद भी शराब बिक रही है। शटर के नीचे से देखिए खुलेआम की तरह से शराब बेची जा रही है और शराब माफियाओं का खुला खेल चल रहा है। सवाल जब इनसे पूछे जाते हैं तो कहते हैं कि सेटिंग हमारी हो रखी है। निश्चित तौर पर फिलहाल इसी सेटिंग और यही जो तार है उन्हें तोड़ने की जरूरत है, चूंकि 8 बजे का समय निर्धारित किया गया है। खुलेआम नियमों की अवहेलना की अब जब ऐसे जाती है तो जो असामाजिक तत्व हैं उन्हें भी कहीं ना कहीं बल मिलता है और शराब माफिया इस तरीके से प्रदेश में एक्टिव हो जाते हैं। राजस्व को तो नुकसान होता ही होता है, लेकिन लोगों के लिए भी ये सही नहीं है, क्योंकि 8 बजे के बाद मनमाने दाम उनसे वसूल किए जाते हैं, जो कि निर्धारित समय के बाद बहुत ज्यादा हो जाते हैं।